देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के ढरारी गांव में। यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग गुम्मी पाथने का काम कर रहे हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि वो लोग कितनी मेहनत से यहाँ पर गुम्मे पाते हैं और उन्हें कितना फायदा मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी यह काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं उन्हीं से कि वो लोग कितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये कुछ कच्चे गुम्मे हैं जो कि इन लोगों ने तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, ये लोग भी ये गुम्मे पाथने का काम करती हैं। हम इनसे सबसे पहले बात करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? ना भाभी। तो आप ये गुम्मे पाथने का काम कब से कर रही? बहुत महीना भाई से, 2 महीना। तो ये सीजन में काम करती हैं या फिर आप कोई काम नहीं है अभी इसलिए ये काम कर रही हैं? ये कछु काम नहीं है, यही काम है माँ। तो कितने गुम्मे बना लेती हैं एक महीने में? 1-1 लाख, 2-2 लाख। तो कहाँ से मिट्टी लाती हैं, कितना फायदा रहता है? मिट्टी तो उद्दू सैन की लाई आई थे। तो मजदूरी से काम करती हैं? मजदूरी है, मजदूरी। तो कितना फायदा हो जाता है गुम्मे पाथने में? कुछ फायदा नहीं, 4-5 हजार मतलब पजा मिला तो कहा हो तुत्ती में। तो क्या रहता है बनाने से लेकर पकाने तक का सफर कैसा रहता है, कैसे क्या करती हैं आप लोग? छह सौ रुपया हजार में पता थे और भट्टा लगा। कैसे लगता भट्टा? कितने टाइम से उठती हो इस काम के लिए आप लोग? 4 बजे से उठाई थे। तो कैसे करती घर का काम, फिर ये काम कैसे मैनेज कर पाती? 4-5 बजे से उठाई थे अपने भाई को, 3-3 बजे से 4 बजे तैयार पाई रोटी पानी करने या सब करने या फिर तैयारी सोते काम करते रही। तो आप लोग ये शुरू से काम करते हैं या फिर अभी यही से शुरू कर दिया? शुरू से कराई थे, इसी में चलता बच्चों का पढ़ाई लिखाई? हाँ हाँ, इतना ही यही में, और कहा है कछु काम ही नहीं है। बारिश में किस तरह का नुकसान हो जाता है जैसे पानी? कल 20-25-25 हजार को भीग जाता गुम्मा। हाँ 50-50 लोग भीग जाते। हाँ बहुत नुकसान है, जब बारिश हो तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये बच्चे गुम्मे बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये जो मिट्टी फूली हुई है इसको पहले पानी से भिगोकर ये लोग फुलोते हैं, उसके बाद गुम्मे बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे गुम्मे अभी रखे हुए हैं और किस तरह से रखे हैं कि देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये गुम्मे यहाँ पर बन रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बच्चे जिनकी आज पढ़ने की उम्र है वो आजकल ये गुम्मे बना बना कर अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये काम यहाँ पर महिलाएं भी करती हैं, किस तरह से ये गुम्मे बना रही हैं। आप बताइए, आप भी गुम्मे बनाते हैं यहाँ पे? हम से नहीं बनाते, लेबर हैं, ये मजदूरी करते हैं। आप बताइए अंकल। हम गुम्मा बनवाते हैं। कैसे, कितना फायदा रहता है? अब फायदे में तो बारिश हो गई तो बड़ा नुकसान लगता है, इस साल बहुत घाटा है। लड़के बच्चे अपने काम करते हैं, इसी का पढ़ाते लिखाते हैं। मजदूरी जो 2-3-4-5 सौ रुपया मिल गया वो 600 रुपये हजार पत्ते हैं। तो कहाँ से मिट्टी लाते, पानी कहाँ से लाते?
पानी भी हम मोल लेते हैं, जैसे किसी के बोर में है, कुगा में है, उसको पैसा देते हैं, उससे हम पानी लेते हैं। मिट्टी जैसे हमको किसी प्राइवेट खेत से ली हमने, तो उनको पैसा देते हैं, वो मान लो 100 रुपया 1000 वो एक ट्राली देते हैं, उसमें से ले लेते हैं बस। तो कितना फ़ायदा हो जाता है? अब फ़ायदा तो ऐसा कि मान लो हमको अपना गुजारा चलता है, हमारा खाने पीने का, बच्चों का पढ़ाने का, बस और ज़्यादा फायदा नहीं होता है। बना लिया अपना 15-50 हज़ार, उसी में से कुछ मजदूरी करते रहे, कुछ अपना ईंटा का काम करते रहे। तो ये शुरू से आप लोग काम करते? हाँ, शुरू से काम करते हैं। क्या सफर रहता है बनाने से लेकर पकाने तक का? अब उसमें तो हमको जैसे जितना हमारे पास इनकम हुई 50,000, 25,000, 30,000 उतना ईंटा अपना बना लिया, उतने में ही गुजारा करते हैं। कुछ मदद मिलती है शासन से या फिर कुछ? हमको कोई मदद नहीं मिलती है। कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोगों को? हम यहीं छतरपुर में बेचते हैं, जैसे ट्राली में भर के ले गए वहीं बेच दिया। जैसे बारिश हो जाती और इतने सारे गुम्मे खराब हो जाते तो फिर क्या? अब इसके लिए क्या कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों के लिए, ना कोई मदद करने वाला है ना कोई कुछ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है। लोगों का कहना है कि बारिश में सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और इन लोगों को यहाँ तक कि मिट्टी पानी सब कुछ मोल लेकर ये अपना गुम्मे का काम करते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। आप देख रहे हैं महिलाएं सुबह से उठकर इस काम को करती हैं, जिससे उनके बच्चे अच्छी तरह से उनकी ज़िंदगी बसर हो सके। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पर छतरपुर में इतना बड़ा भट्टा आज पहली बार देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर महिलाएं, बच्चे और भी कई लोग इस काम को बड़ी मेहनत से करते हैं। तो देखते रहिए हमारे इस फेसबुक लाइव को, हम आपको और आगे का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।